Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. In the last video, we have read about the classifications of the industries. Now today we are going to read about the factors affecting the industries. चलिए start करते हैं बेटा. The first factor is, बेटा factors क्या होते हैं? मतलब जो आप चीजें affect डाली industry पे. Industry कहाँ स्थापित होगी? जहाँ पर आपके फेवरेबल कंडीशंस मिले. मीन्स अगर आपका रॉ मटेरियल की बात करें, अगर आपको रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल जो है वो सही उपलब्ध हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल रही है, मार्केट आपको मिल रही है, और आपके जो है सी पोर्ट नियर है, कैपिटल मिल रही है, लेबर कैसी है, अगर ये सब चीज़ें जो है बेटा आपको सही ढंग से मिल रही हैं, तो हम क्या करते हैं, वहीं पर एक इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं. अब मान लीजिए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे ब्रेड बनाने के लिए मैदा चाहिए, फ्लोर चाहिए, ठीक है, और मुझे उसको ब्रेड को चेंज करने के लिए, मतलब आटे को ब्रेड में चेंज करने के लिए यीस्ट चाहिए होता है, और मुझे टेम्परेचर कैसा चाहिए, थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट चाहिए. लेकिन जहाँ मैंने इंडस्ट्री लगाई वहाँ पर क्या है, कोल्ड टेम्परेचर है, और वहाँ पर जो है जो मुझे मटीरियल चाहिए था, जो मशीन जिससे कि हम यीस्ट उगाते हैं, मतलब यीस्ट को उभारते हैं, वो चीज़ भी नहीं मिली, तो क्या मेरी ब्रेड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी. तो हमें इसके लिए क्या चाहिए बेटा, जहाँ हमारी इंडस्ट्री को हमें लगाना है, वहाँ पर जिन फैक्टर्स का ज़रूरी है, जो फैक्टर्स उस चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी है, वो वहाँ होंगे, तो हमारी इंडस्ट्री वहाँ सही रूप से काम कर पाएगी. सेकेंड की बात की तरफ चलते हैं बेटा. जहाँ हमारी फैक्ट्री सही ढंग से काम कर रही होगी, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, वो भी सब्सिडरी देती है. सब्सिडरी का मतलब होता है छूट देना. गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फैसिलिटी अवेलेबल करा देती है. गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी जो बिजली है उसमें कटौती कर देती है. आपको रेट जो है वो कम पे करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप घर की बिजली की तरफ देखें तो आप 10 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे वो 5 रुपीज़, 4 रुपीज़ ऐसे कुछ जो है रेट को कट ऑफ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो सब्सिडी देते हैं, ठीक है, छूट देते हैं कि हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनहांस कर सके, बढ़ा सके. वो ऐसा करती क्यों है, आपको पता चल रहा है, क्यों बढ़ाने की कोशिश करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्नमेंट? उसका एक रीज़न है बेटा, वो ये चाहती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है कि जो भी पिछड़ा एरिया है सभी क्या हो जाएं, फ्लोरिश हो जाएं, एस्टैब्लिश्ड हो जाएं. जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी क्या नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा. तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सब्सिडी देती है किनको, जो लोग इंडस्ट्री स्थापित करते हैं. आई बात समझ में? अब बेटा इससे क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री स्थापित करने से एक काम और होता है, आपकी ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज, सिटी की ग्रोथ होती है, टाउन की ग्रोथ होती है. जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होगा उस जगह पर. और उस जगह पर क्या होगा बेटा, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी हर तरह की फैसिलिटी होगी, चाहे एयर के थ्रू जाना है, चाहे ट्रेन के थ्रू जाना है, तो वहाँ पे ग्रोथ होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे. जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे होंगे खर्चने के लिए. जो लोग काम नहीं कर रहे उनके पास क्या पैसे होंगे? नहीं होंगे ना. तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल के साथ साथ आपके शहर का, आपके गाँव का भी डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट आता है बेटा इंडस्ट्रियल सिस्टम. सिस्टम से समझ आता है बेटा हमें कि कोई भी एक सिस्टम है तो उसे पूरा करना पड़ता है. सिस्टम का मतलब एक चीज़ जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो रही है, उसमें एक प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए. तो सबसे पहले आप क्या डालते हो, इनपुट. इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है बेटा, आउटपुट. इनपुट. अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं शर्ट का, ठीक है. अगर आपको कोई शर्ट बनानी है तो उसका इनपुट क्या है, आपको क्या डालना पड़ेगा, कॉटन. कॉटन से क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा. थ्रेड से फिर क्या होगा बेटा, वो थ्रेड जो है, लेबर जो है, आपने थ्रेड लिया, लेबर लिया, मशीनरी ली, ये सब चीज़ें आपने ले ली. अब जब ये सब चीज़ें आपने ली हैं तो ये क्या है, इनपुट, जिनसे हम क्या है सामान को बनाएंगे. अब प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में क्या होता है, गिनिंग करना, वीविंग करना, ठीक है, कलरिंग करना, फिर उसको प्रिंट करना, ये सारे क्या है बेटा, हमारी प्रोसेस है. सबसे पहले गिनिंग होता क्या है बेटा, जो आपका कॉटन प्लांट है उससे हम कॉटन को अलग कर लेते हैं, तो वो गिनिंग कहलाता है. ऐसे हम वीविंग, उसको काटना, ठीक है, और फिर क्या, स्पिनिंग करना, धागा बनाना, फिर उसे हम क्या करते हैं, क्लोथ बनाते हैं. इस तरह से क्लोथ से लास्ट में क्या निकला, शर्ट. तो वो क्या है आपका, आउटपुट. ठीक है बेटा, समझ में आया क्या होता है इंडस्ट्री सिस्टम. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब होता है जब हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज
एक ही जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और वो एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं, मीन्स अपने बेनिफिट्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए था, ठीक है, अब उस इंडस्ट्री ने अपना जो ट्रांसपोर्ट मंगवाया है मैं उसी पर ही अपना ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपना सामान भेज रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो मतलब रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए एज अ हेल्प करो, एज ए रॉ मटेरियल मेरे लिए भी वो मटेरियल काम करो, मीन्स जो आपका फिनिश गुड है वो मेरे लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा हो, तो क्या है आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, आप मेरी फीडर इंडस्ट्री बन गए। समझ में आ रही है? मान लो मुझे स्टील बनाना है, तो स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँगी, आयरन ओर जो है जिस इंडस्ट्री से ले रही हूँ मैं उसको क्या कर रही हूँ, वो मेरी फीडर इंडस्ट्री है, वो मुझे रॉ मटेरियल प्रदान कर रही है, मुझे अपने बेनिफिट शेयर करा रही है कि मुझे यहीं का यहीं सामान मिल रहा है। समझ आया? इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट को शेयर करते हैं, कैपिटल को शेयर कर लेते हैं, और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम इन बेनिफिट्स को शेयर करते हैं। और एक जगह पर जब हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है और ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। उसका रीज़न वही होता है कि हमारा देश जो है वो प्रोग्रेस करे। समझ में आया? और इसके अलावा हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर आते हैं? पहला है बेटा आपका गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, फिर है मुंबई, पुणे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो था वो क्या था बेटा, बेंगलोर और तमिलनाडु। तो ये सारे क्या हैं आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज। आपके यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आपकी जो है कॉटन इंडस्ट्री है और आईटी इंडस्ट्री। आप सभी जानते हो कॉटन इंडस्ट्री यानी आयरन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये तो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है, शुरू से चलती आ रही है। लेकिन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई क्या है, इंडस्ट्री है। इसे हम एमर्जिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं और इसे हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जो नई आ रही हैं, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें हम सारे इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं आपकी आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री जो है बेटा वो करती क्या है? आयरन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री बेटा एक फीडर इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आयरन इंडस्ट्री जो है वो भी क्या करती है, एक सिस्टम को फॉलो करती है। मीन्स पहले आपका इनपुट जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा उसके अंदर, वेरी गुड, प्रोसेसिंग होगी, फिर क्या होगा, आउटपुट आएगा। समझ में आया? तो आयरन इंडस्ट्री में क्या होगा, एक आयरन के लिए हम क्या करेंगे, आयरन और बनाएंगे, गोल जो भी उसका सामान है उसे निकाल लेंगे। लेकिन आयरन और जो है उसकी हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी आयरन और को उसकी लिमिट से ज़्यादा गर्म करते हैं। मीन्स अगर आपका वाटर गर्म करने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मैं 100 से ऊपर करूँगी तो क्या होगा, वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आयरन ओर अगर 30 डिग्री पे पिघल जाता है तो मैं क्या करूँगी, 50 डिग्री की उसको हीट दूंगी जिससे कि जो आयरन ओर है वो बाहर निकल जाए और उससे क्या है, मैं क्या करूँगी बेटा, उसको अलग कर लूँगी और उसके अंदर कुछ और अलॉयज मिलाकर स्टील का निर्माण करूँगी। और स्टील क्या होता है आप सभी जानते हो, स्टील से बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील पर रस्ट नहीं लगता है, आयरन पर रस्ट लग जाता है ना। और स्टील जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर बर्तन बनाने में, शिपिंग की चीज़ें बनाने में, सब चीज़ों को बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। और स्टील जो होता है बेटा वो काफ़ी हार्ड होता है, उसको आप किसी भी शेप में किसी भी तरह से इजीली उसको मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बार मोल्डिंग के बाद उसे जल्दी से आसानी से आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर पाते। तो इस तरह से आयरन इंडस्ट्री से क्या बनता है, स्टील। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं बेटा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है बेटा, हमारी आयरन इंडस्ट्रीज है जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में, ठीक है। आयरन इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को मैंने भी बताया कि आयरन इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री के नाम से क्यों जानते हैं, उसका रीज़न क्या है कि आयरन इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। मीन्स वो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, जैसे स्टील बनाना है मुझे, तो स्टील के लिए क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, आयरन ओर का यूज़ करती है, उसकी स्मेल्टिंग करती है, उसको अलग से जितना उसको हीट चाहिए उसे ज़्यादा हीट देकर हम उसका जो ओर बाहर निकलता है उसको क्या करते हैं, कुछ दूसरे अलॉयज उसमें मिला के स्टील का निर्माण करते हैं। तो वो क्या हुआ, एज अ रॉ मटेरियल काम कर रही है, तो इसलिए क्या है, फीडर इंडस्ट्री के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है बेटा। और जो हमारी आयरन इंडस्ट्री है बेटा वो जो है कई जगह पर उसका जो है निर्माण किया गया था, जैसे कि आपकी जर्मनी में, यूएसए में, ये आपको मैंने बता दिया ये वहीं पर इस्टेब्लिश है।
इसके अलावा बेटा जो हमारी आयरन इंडस्ट्री है वो भिलाई में, दुर्गापुर में, बर्नपुर में भी है। अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताना है बेटा, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मीनिंग समझते हैं आप क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में किसी तरह की एक घटना हो जाना जो कि हमने कभी सोची नहीं थी। आपको पता हो शायद भोपाल गैस जो है लीकेज हुई थी, वो कब हुई थी? 3 दिसंबर को 1984 में हुई थी। उसमें क्या होता है बेटा, मिथाइल गैस जो है वो लीक हो गई थी और उससे बहुत सारे लोग मर गए थे। इसके बाद हांगकांग चाइना में भी यही हुआ था। 23 दिसंबर को 2005 में चाइना के अंदर भी यही गैस लीकेज हो गई थी और उससे बहुत सारे लोग मर गए थे। तो ये जो इंडस्ट्रियल हमारा जो वो होता है डिजास्टर होता है, वो क्यों होता है बेटा? कई बार क्या होता है, हमें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोगों की लापरवाही से हो जाता है या कई बार जो है हम उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं रख पाते। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर किसी जगह पर आग लग रही है और अगर उसके पास पता है कि आग लगने वाली, हमने कभी सिलेंडर रखे हुए हों तो उससे फटाफट से उस आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन होता क्या है बेटा, कई बार हम लोग उस चीज़ों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, प्रिवेंशन नहीं लेते हैं, तो वो क्या होती है, ज़्यादा बड़ा हादसा बन जाता है। इसलिए भोपाल गैस में भी यही हुआ था बेटा, वहाँ पे जो है गैस, मिथाइल गैस लीक हो गई थी और बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा।